मैं रामकृष्ण शर्मा आपके इस सब्जेक्ट जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग में आपका स्वागत करता हूं। अब इस यूनिट 3 के दूसरे लेक्चर में हम लोग मिल रहे हैं, जिसमें हम लोग हाइट मेजरमेंट पैरालेक्स की सहायता से समझेंगे। तो पहले पैरालेक्स क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करें, तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप क्लियर होती जाएंगी। पैरालेक्स अगर इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो एक प्रकार का एरर होता है, और पैरालेक्स अगर हम विजुअलाइजेशन में देखें, जहाँ पर हमें किसी इमेज को कैप्चर करना है उसके बारे में देखना है, तो ऐसी कंडीशन में हम पैरालेक्स कहते हैं, आई कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए। और ये आई का जो कॉन्सेप्ट है उसी की सहायता से हमको 3D विजन मिलता है ना, क्योंकि इसके पहले हमने स्टीरियोस्कोपिक विजन की बात किया था, यूनिट 2 का लास्ट लेक्चर या परहैप्स सेकेंड लास्ट लेक्चर था, तो उसमें हम लोगों ने स्टीरियोस्कोपिक विजन की बात किया था। तो हमने ये कहा था कि भाई अगर हम दो पॉइंट से अगर हम इमेज को कैप्चर करें तो हम उसकी हाइट को आसानी से मेजर कर सकते हैं, इस पर बात हुई थी। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि स्टीरियोस्कोपिक विजन के लिए आपको लेंस के दो पोजीशंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम ये मानकर चलते हैं कि आई की वो दो पोजीशंस हैं, जिस तरह से अगर हम किसी चीज़ को देख रहे हैं तो आँख, एक आँख को बंद कर लें तो दूसरी जो या दूसरी आँख बंद कर लें और पहली आँख से देखें, ऐसी कंडीशन में वो जो 3D स्ट्रक्चर हमारे इन्वायरमेंट में हमको दिखाई देता है वो समझ में नहीं आता, ठीक है। इसलिए आई का जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग अगर दोनों आई से हम चीज़ों को देखते हैं तो कहाँ पर कितनी हाइट है, एक ऑब्जेक्ट के पीछे दूसरा ऑब्जेक्ट कितना दूर तक है ना, ये 3D जो स्ट्रक्चर है वो ठीक ठीक हमको समझ में आता है। इसी आई के कॉन्सेप्ट पर जो कैमरे से हम फोटोग्राफी करते हैं उसमें भी यही कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को देखें, ये इमेज का एक पॉइंट है, ये इमेज का एक पॉइंट है, और इस इमेज को से आप अगर टोटल इमेज को आप कैप्चर करना चाहें तो इसकी दो वैल्यूज हमको मिलेंगे, एक इस पॉइंट पर मिलेंगी और दूसरी इस पॉइंट पर, मतलब एक लेफ्ट डायरेक्शन में मिलेगी और दूसरी राइट डायरेक्शन में मिलेगी। क्लियर है कि नहीं है? ये एक आई का काम कर रहा है और ये दूसरी आई का काम कर रहा है। फोटो यहाँ पर कहीं प्रेजेंट है लेकिन उसकी जो इमेज है वो लेफ्ट और राइट दोनों डायरेक्शन में हमको मिलेगी, जिसकी वजह से हम ये क्लियर कर सकते हैं या समझ सकते हैं कि जो टोटल जो इमेज है वो दो जगह पर हमको मिल रही है। उसको हम इवेलुएट करते हैं ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरालेक्स। पैरालेक्स क्या है? ये जो हमारा कोऑर्डिनेट है और ये कोऑर्डिनेट है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज योर पैरालेक्स। क्लियर है? मतलब इसके बीच की दूरी। तो दूरी कैसे निकालेंगे? मान लो ये हमारा -33 है और ये +47 है, तो +47 से -33 को माइनस करिए, सो दिस विल बी एडेड एंड विल गेट व्हाट, 80। इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी 80 पिक्सल और 80 इंच, या जिसमें हम इसको मेजर कर रहे होंगे वो पॉइंट्स हमारे होंगे। इज इट ओके और नाउ? तो ये समझ में आ रहा है। तो पैरालेक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आई से, तो वन ऑफ द पैरालेक्स एग्जांपल फॉर ह्यूमन आई कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय सिंपल एक्सरसाइज ऑफ चाइल्डहुड। होल्ड फिंगर इन फ्रंट ऑफ आई, है ना, फिंगर को आप सामने रखिए। उस कंडीशन में जब आप एक आई को बंद करते हैं और दूसरी आई से आप इसको देखते हैं तो ये किसी और डायरेक्शन में दिखाई देता है, जब पहली आई से देखते हैं तो उसकी पोजीशन बदल जाती है। इसका मतलब क्या है? जब हम लेफ्ट आई से देखते हैं तो वो जो इमेज है वो राइट डायरेक्शन में हमको मिलेगा, जब राइट आई से देखते हैं तो लेफ्ट डायरेक्शन में थोड़ा सा मिलेगा। क्लियर है कि नहीं है? ठीक वैसे ही कॉन्सेप्ट हम लोग कैमरे में यूज कर रहे हैं। अब चलिए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक मान लीजिए एक कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि दो टिल्ट हमारे पास अवेलेबल है, ये पी के लिए और क्यू के लिए। इसके लिए जो हमें फोटोग्राफी के लिए जो प्लेन हमको मिल रही है, एक हमको ए मिल रहा है और दूसरा हमको सी मिल रहा है। ध्यान से समझिएगा, है ना, ए मिल रहा है और सी मिल रहा है। तो जो पहला हमारा इमेज है ए वाले पॉइंट पर, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक मिल रहा है, ठीक है, मतलब ये पहला कोऑर्डिनेट हो गया। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे दिस विल बी पी ए, पैरालेक्स ए, है ना। इसी तरह से दूसरे टिल्ट के लिए जो हमको इमेज मिल रही है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मिल रही है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे विल गेट पी सी। क्लियर है कि नहीं? मान लो जो अर्थ सरफेस है वहां से ये हाइट है ना, ये हाइट हमारी क्या है, एच है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, है ना, ये हाइट हमारा क्या है, एच है। तो उस कंडीशन में
अच्छा, अब पैरालेक्स को अगर हम देखें तो पैरालेक्स ये जो ऊपर नीचे पॉइंट हम देख रहे हैं, एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर तो इमेज बनेगा नहीं, इमेज पॉइंट्स में कुछ डिफरेंस भी होगा, तो वो जो पैरालेक्स का डिफरेंस होगा दैट इज पी ए माइनस पी सी। ठीक है, तो अगर इन सारी चीज़ों को हम इवेलुएट करें इसके आधार पर क्या होगा, दोनों पॉइंट्स के बीच का जो हाइट का डिस्टेंस है, मान लीजिए वो हाइट का डिस्टेंस हमारा क्या है, डेल एच है, हाइट का डिस्टेंस क्या है, ये डेल एच है, डेल एच। तो ऐसे कंडीशन में जो हमारा फार्मूला बनेगा दैट विल बी व्हाट, डेल एच इज इक्वल टू डेल पी इनटू एच डिवाइडेड बाय पी सी। ठीक है ना, हाइट में चेंज ये है टोटल हाइट, पैरालेक्स में चेंज ये है टोटल पैरालेक्स। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल एच इंटू पी सी इज इक्वल टू डेल पी इंटू एच। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको समराइज कर सकते हैं। तो डेल एच हमारा क्या है, एच ए माइनस एच सी, ये हमारा सरफेस से हाइट एच ए है और ये इसका सरफेस से हाइट क्या है, एच सी है। एच ए माइनस एच सी या एच सी माइनस एच ए, जो भी आप करने के। ठीक है, अगर हम एच ए माइनस एच सी करते हैं डेल एच के लिए, तो डेल पी के लिए पी ए माइनस पी सी करना पड़ेगा, डेल पी के लिए पी ए माइनस पी सी करना पड़ेगा। अगर डेल एच के लिए आप एच पी ये आपका एच सी माइनस एच ए कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में डेल पी के लिए भी पी सी माइनस पी ए करना पड़ेगा। सो इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेप्ट, वट एवर द कॉन्सेप्ट यू आर यूजिंग। और पी ए माइनस पी सी का मतलब क्या हुआ, जो ओरिजिनल वैल्यू होगी वो पी सी होगी और पी ए से हम उसको माइनस कर रहे हैं, इसलिए हम फार्मूले में पी सी यूज करेंगे। अगर आप डेल एच को एच सी माइनस एच ए यूज करते हैं तो पी डेल पी आपका पी सी माइनस पी ए हो जाएगा, ऐसी कंडीशन में यहाँ पर आपको पी ए यूज करना पड़ेगा। हालांकि पी ए और पी सी में बहुत अंतर नहीं है, बहुत हल्की सी वैल्यू में चेंज आएगा, उसको अभी हम आगे न्यूमेरिकल वैल्यू से देखेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है ना। तो पैरालाइज कॉन्सेप्ट है, जब कोई ये लेंस क्यू वन पी और क्यू की इमेजेस को कैप्चर करता है तो वो इस प्लेन में स्मॉल पी स्मॉल क्यू पर बनते हैं, और जब क्यू क्यू टू या ओ टू सेंसर जब इन्हीं दोनों पॉइंट्स के लिए इमेज को कैप्चर करता है तो वो डेल पी और डेल सॉरी पी डैश और क्यू डैश के फॉर्म में मिलते हैं, है ना। और ये दोनों प्लेन अलग अलग, इसकी हाइट में कुछ डिफरेंस होगा और इसके जो पैरालैक्स हैं उनके सेपरेशन में भी डिफरेंस होगा, समझ आ रही बात। उसकी वजह से जो पैरालैक्स है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, ये टिल्ट की वजह से भी हो सकता है, जो सरफेस में चेंज है उसकी वजह से भी हो सकता है, और एरोप्लेन की हाइट में वेरिएशन की वजह से भी। मान लो एरोप्लेन की हाइट कभी इधर है कभी इधर है, जब हाइट में बदलाव होगा तो उसके जो कैमरे की पोजिशन है उसमें बदलाव हो जाएगा, ये ऑब्वियस सी बात है, इतना बात समझ में आ गई होगी। सो दिस इज द फार्मूला विथ यूजिंग विच वी विल कैलकुलेट द हाइट, फ्लाइट हाइट है ना, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से इसको समझने का प्रयास करते हैं। बेंचमार्क सी हैज एन एलिवेशन इतना, चलो एक्स कोऑर्डिनेट ऑन लेफ्ट फोटो इतना एंड राइट फोटो इतना, ये दिया हुआ है एक्स कोऑर्डिनेट पॉइंट ए सी के लिए, पॉइंट सी के लिए। ठीक है, तो पॉइंट सी जो हमारा है, देखो पॉइंट सी का हाइट दिया हुआ है ना, एक चीज हमको पता है कि पॉइंट सी का हाइट कितना है, तो पॉइंट सी का जो हाइट है दैट इज गिवन, और ये वैल्यू हमें दिया हुआ है 1545 फीट दशमलव तीन दो फीट है ना, ये दिया हुआ है। अच्छा, और जो फ्लाइट हाइट है, फ्लाइट हाइट यहाँ कहीं होगा दैट इज 3000 फीट, उसका जो इमेज है वो यहाँ पर बन रहा है, इस प्लेटफॉर्म में बन रहा है। अच्छा, ध्यान से देखिए, एक एक चीज को हम लोग देखते जाते हैं। पैरालैक्स हमारा है जहाँ पर बन रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट सी पॉइंट पर, एक्स कोऑर्डिनेट जो हमारा है लेफ्ट फोटो के लिए +74.12 ये दिया हुआ है, और राइट के लिए दिया हुआ है -18.41 मिलीमीटर में। ऐसे ही ए पॉइंट के लिए, ये सी पॉइंट हो गया, ए पॉइंट के लिए लेफ्ट फोटो आपको दिया हुआ है यहाँ पर 65.78
और राइट फोटो जो आपका दिया हुआ है दैट इज -24.38 38 है ना, ये दिया हुआ। तो पीसीएफ निकाल लो यहाँ से, पीसीएफ को क्या हो जाएगा आप बताओ, पीसी विल बी दिस माइनस दिस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो जुड़ जाएंगे तो 92.53। पीए आपका क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। डेल पी हमारा क्या हो जाएगा, पीए माइनस पीसी, तो पीए और पीसी का आप डिफरेंस कर लीजिए, विल गेट -2.37। डेल एच क्या होगा, एच ए माइनस एच सी, तो डेल एच हम निकाल लें यहाँ से पहले, क्योंकि एच ए हमको पता है, एच सी हमको पता है, बट एच ए हमको पता नहीं है, यहाँ से समझिएगा है ना। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, ये इस फार्मूले में आपको डेल पी पता चल गया, फ्लाइट हाइट इज गिवन इन द क्वेश्चन, पीसी अभी अभी दिया हुआ है क्वेश्चन में, और डेल एच एक निकालना है हमको। इस फार्मूले की सहायता से आप डेल एच की वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए, विल गेट -76.84 फीट। अब डेल एच हमारा क्या होता है, एच ए माइनस एच सी, एच सी इज गिवन, एच ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल एच प्लस एच सी, तो डेल एच की वैल्यू हमारी निकालिए, निकला हुआ है -74.84, और प्लस एच सी की वैल्यू, वॉट एवर द वैल्यू वॉज गिवेन, आई थिंक इट इज 15.45.32, ये दिया हुआ। इसको आप दोनों को सम कर दीजिए, सो विल गेट दिस वैल्यू 1468.48 फीट। इस तरह से आप ए की जो हाइट क्वेश्चन में पूछी गई है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट इज द एलिवेशन ऑफ पॉइंट ए, दिस वाज द क्वेश्चन, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इज इट ओके और नॉट, ठीक है। तो इस तरह से पैरालेक्स का जो कॉन्सेप्ट है आप इसमें यूज कर सकते हैं। अगले टॉपिक में हम लोग कुछ और चीज़ों के बारे में बात करेंगे, अभी इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, उसका जैसे भी सुटेबल आंसर मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हम आपको आंसर करते रहेंगे समय समय पर। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड